भूपति 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 राजा को कहा जाता है। इसको विग्रह करेंगे तो भूधनपति मतलब भूमि का पति। भूमि का पति कौन है? राजा है। भूमि का पति मतलब राजा का पर्यायवाची शब्द है। नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू। आज के इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द बताऊंगा दोस्तों। एक वीडियो पहले बन चुका है, अगर उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द मैं बताया हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को चालू करते हैं। पहला नंबर शब्द है कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है सरोज। सरोज 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 का अर्थ होता है दोस्तों सरोवर में जन्म लेने वाला। सरोवर में जन्म लेने वाला को क्या बोलेंगे? कमल कहेंगे। सरोवर में जन्म लेने वाला को क्या बोलते हैं? कमल कहते हैं। इसके बाद हो जलज। जलज 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 जल में जन्म लेने वाला कमल। जल में जन्म लेने वाला को क्या कहते हैं? जल में जो जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? जलज कहते हैं, अर्थात कमल। सरोज में सरोज सरोवर में जन्म लेने वाला को क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। अब्ज, यहाँ देखिए अब्ज 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 भी आधा ब ज अब्ज अब्ज भी कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। पंकज पंकज भी कमल का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद अरविंद कमल का पर्यायवाची शब्द है। पदम, इस टाइप का देखिए, पदम पद दम पदम भी क्या है? पदम भी कमल का ही पर्यायवाची शब्द है पदम, ठीक है। इसके बाद है कज। कज भी कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। कज ऐसा कज कज किसका पर्यायवाची शब्द है? कज, तो कज कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। और सतदल सतदल भी कमल का पर्यायवाची है ऐसा। सतदल 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 भी कमल का पर्यायवाची शब्द है। अंबुज अंबुज का मतलब अंबु में जन्म लेने वाला। देखिए यहां पर मैं लिख कर बताता हूं, अंबुज 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 को विच्छेद करेंगे तो अंबुधन ज अंबुधन ज मतलब अंबुज में जन्म लेने वाला मतलब क्या? कमल। अंबुज में जन्म लेने वाला को क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। अगला है सरसीज। सरसीज भी कमल को ही कहा जाता है। सरसीज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कमल का, सरसीज। नलिन नलिन भी कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। ताम्रस ताम्रस कमल का पर्यायवाची शब्द है ऐसा। देखिए ताम्रस 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 कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है दोस्तों सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। सूर्य सूर्य का होता है दिवाकर। दिवाकर का मतलब होता है दिन करने वाला। दिव दिव धन कर दिवाकर दिव धन कर दिवाकर मतलब दिन करने वाला को क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। प्रभाकर, देखिए यहां पर मैं बताता हूं, प्रभाकर 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 इसको विच्छेद करेंगे तो प्रभा प्रभाधन कर प्रभाधन कर, ठीक है। तो प्रभा का मतलब क्या होता है? सुबह। सुबह करने वाला कौन? सूर्य। सुबह करने वाला प्रभाकर। प्रभाकर का मतलब क्या होता है? प्रभा करने वाला मतलब सुबह करने वाला। अगला है दिनकर। दिनकर मतलब दिन करने वाला। दिनकर 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 मतलब दिन करने वाला कौन? सूर्य, ठीक है। अगला नंबर है मार्तंड। मार्तंड भी किसको कहा जाता है? सूर्य को ही कहा जाता है मार्तंड। मार्तंड सूर्य को कहते हैं। रवि सूर्य को कहते हैं। भास्कर सूर्य को कहते हैं। मरुचि सूर्य को ही कहा जाता है। सविता सूर्य को कहते हैं। सविता सूर्य को ही कहते हैं। पतंग सूर्य को कहते हैं। पतंग, ठीक है।
तुरंग जो है, तुरंग घोड़ा को कहा जाता है, तुरंग क्वेश्चन आ चुका है व्यापम में, तुरंग किसको कहते हैं, घोड़ा को कहते हैं। लेकिन पतंग मैं बोल रहा हूँ किसको कहा जाता है, पतंग जो ऊपर में उड़ाते हैं बच्चे लोग वही पतंग है, सूर्य को कहा जाता है पतंग। हंस किसको कहा जाता है, हंस भी सूर्य को ही कहा जाता है। आदित्य सूर्य को ही कहा जाता है। भानु सूर्य को ही कहा जाता है। अंशुमाली भी सूर्य को ही कहा जाता है। अंशुमाली किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। अगला शब्द है दोस्तों सिंह का पर्यायवाची शब्द बताइए। सिंह मतलब शेर, शेर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो शेर का पर्यायवाची शब्द होता है मृगेंद्र। देखिए यहाँ मृगेंद्र, 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 मृग धन इंद्र क्या होगा, मृग, मृग धन इंद्र, मृग धन इंद्र मतलब मृगों का इंद्र, मृगों का भगवान, मतलब हिरण का भगवान। हिरण का भगवान कौन है, सिंह। मृगेंद्र, मृगेंद्र, मृगेंद्र का मतलब होता है सिंह मतलब शेर, ठीक है। अगला है मृगराज, मृगराज, शेर को मृगराज भी कहा जाता है, मृगों का राजा, मृगराज, मृगों का राजा, मृगराज कहा जाता है। शार्दूल, शार्दूल ऐसा देखिए, शार्दूल, शार्दूल, शार्दूल किसको कहा जाता है, सिंह को कहा जाता है शार्दूल। व्याघ्र, व्याघ्र किसको कहते हैं, व्याघ्र, व्याघ्र, व्याघ्र कहा जाता है सिंह को ही, शेर को व्याघ्र कहा जाता है। पंचमुख, पंचमुख किसको कहते हैं, शेर को ही कहा जाता है। केसरी, शेर को कहा जाता है केसी, शेर को कहा जाता है केसी, ऐसा केसी, केसी शेर को कहा जाता है, केसी शेर को ही कहा जाता है। महावीर शेर को कहा जाता है, वीरों का वीर महावीर कौन, शेर, ठीक है। अब आता है रात्रि का पर्यायवाची शब्द बताइए। रात्रि का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यामिनी कहते हैं रात्रि को, क्या कहते हैं, यामिनी। देखिए विद्युत को दामिनी कहा जाता है, विद्युत जो बिजली होता है, बल्ब का बिजली जो होता है उसको दामिनी कहा जाता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यामिनी। यामिनी किसको कहते हैं, रात्रि को कहते हैं। यामिनी रात्रि को कहा जाता है, यामिनी, ऐसा यामिनी किसको कहते हैं, रात्रि को कहा जाता है। सरवरी, रात्रि को ही सरवरी कहा जाता है। देखिए सरवरी, 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 सरवरी ऊपर में रह है, सरवरी, सरवरी किसको कहा जाता है, रात्रि को कहा जाता है। निशा, पिछले वीडियो में भी बताया था मैं, निशा किसको कहा जाता है, रात्रि को कहा जाता है। निश्चर में बताया था, निश्चर दानों को कहा जाता है, मतलब निश्चर मतलब कि रात्रि में चरने वाला, निश्चर। तो निश किसको कहा जाता है, या फिर निशा किसको कहा जाता है, रात्रि को कहा जाता है। रैन किसको कहा जाता है, रैन रात्रि को कहा जाता है। रैन बसेरा कहते हैं ना कि ये रैन बसेरा है, मतलब रात्रि का बसेरा है। रैन बसेरा, रैन बसेरा मतलब रात्रि का बसेरा, ठीक है। रैन किसको कहा जाता है, रात्रि को कहा जाता है। रजनी, रजनी किसी का नाम रहता है, रजनी, तो रजनी किसको कहते हैं, रात्रि को कहते हैं। त्रियामा, त्रियामा किसको कहा जाता है, रात्रि को ही कहा जाता है त्रियामा। विभावरी, ऐसा देखिए विभावरी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। विभावरी, विभावरी, विभावरी किसको कहा जाता है, विभावरी रात्रि को ही कहा जाता है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है विभावरी। छड़दा, देखिए छड़दा, ऐसा छड़दा, छड़दा, छड़दा किसको कहते हैं, तो रात्रि को कहा जाता है। अब अगला शब्द है दोस्तों राजा। राजा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो राजा का पर्यायवाची होता है भूपति, ऐसा देखिए भूपति राजा को कहते हैं। भूपति, भूपति राजा को कहते हैं। इसको विग्रह करेंगे तो भूप, भूधन पति, भूपति, भूपति,
भूपति राजा को कहा जाता है, इसको विग्रह करेंगे तो भूधनपति, भूधनपति मतलब भूमि का पति, भूमि का पति कौन है, राजा है, भूमि का पति मतलब राजा का पर्यायवाची शब्द है। और महीपति, महीपति मतलब, महीपति मतलब इसका अर्थ भी होता है पृथ्वी का राजा, महीपति पृथ्वी का पति, ठीक है। नरपति, नरपति भी कहा जाता है, राजा को नरपति कहा जाता है, मतलब जितने भी नर हैं पृथ्वी में वो सभी के राजा, उसके पति नरपति कहलाता है, ठीक है। नरेश, नरों का ईश्वर, नरेश बोलने से क्या अर्थ निकल रहा है, नरों का ईश्वर तो कौन होगा, नरों का ईश्वर कौन, राजा होगा। राव, अगला शब्द है राव, राव किसको कहा जाता है, राव राजा को ही कहा जाता है। सम्राट, सम्राट किसको कहते हैं, राजा को ही कहते हैं। भूप, देखिए ऐसा, भूप, भूप, भूप किसको कहा जाता है, भूप राजा को ही कहा जाता है, मतलब इसका भी अर्थ हो रहा है भूमि का पति, मतलब भूप, भूप का मतलब होता है राजा। महीप, महीप, महीप किसको कहते हैं, देखिए ऐसा, महीप, महीप, महीप भी राजा को ही कहा जाता है। नृप, अगला है दोस्तों नृप, नृप भी राजा को ही कहा जाता है। नृप बहुत इंपॉर्टेंट है, न में री की मंत्रा, नृप, ये नृप, नृप राजा को ही कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जो भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा को याद करिएगा, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।